नमस्कार दोस्तों, वरिनिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के पांचवें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर यूएई में अपनी पहली जीत हासिल कर ली। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 146 रन ही बना सकी और मुंबई ने 49 रनों से ये मैच जीत लिया। आईपीएल 2020 के अपने दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस को जीत मिली इस जीत के। लेकिन हम इस वीडियो में उन चार हीरोज के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को एक शानदार जीत मिली। मैच के सबसे पहले हीरो रहे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 54 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 3 चौके और 6 छक्के जमाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148 का रहा। रोहित की पारी इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि पहला विकेट पारी के दूसरे ओवर में ही गिर गया था। मैच के दूसरे हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ शानदार पार्टनरशिप करते हुए दूसरे विकेट के लिए 90 रन जोड़ दिए और टीम के लिए एक शानदार नींव तैयार कर दी। सूर्य कुमार यादव हालांकि अर्धशतक नहीं जड़ सके और 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए। मैच के तीसरे हीरो रहे मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में 32 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाले। उनके 3 ओवर तो इतने कमाल के थे कि आखिरी ओवर में ही उन्हें सिर्फ 27 रन पड़े हैं। आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बल्लेबाज इयान मॉर्गन और आंद्रे रसल का विकेट निकालकर कोलकाता नाइट राइडर्स की कमर तोड़ दी। मैच के चौथे हीरो रहे मुंबई के ही तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने कोलकाता को शुरुआती झटके देने का काम किया जिसके बाद कोलकाता की टीम कभी उबर ही नहीं पाई। ट्रेंट बोल्ट ने मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी में 1 मेडन सहित 30 रन देते हुए 2 विकेट निकाले। तो ये थे मुंबई के चार हीरोज जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्हें एक शानदार जीत दिला दी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।